हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं पूरा उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखिए, फिर आज हम दोनों ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप लोगों को वीडियो में कमेंट करें जरूर। भी बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा करती हैं, तो वीडियो आप बनाइए। तो अब हर वक्त इनके साथ हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो में आप लोग के आएंगे। तो देखिए, हमारा बहुत ज़्यादा दिन से तबीयत खराब था, इसलिए मैं ब्लॉग अपना नहीं बना रही थी, थोड़ा बहुत डाल रही थी। तो देखिए, आज मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ और ये भी है, रूबी भी है। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे को फुल सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ साथ इनको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक ले हैं तब तक इनका चैनल भी हम स्टार्ट करवा ही के जाएंगे। नहीं रूबी? हाँ, तो मेरे दर्शक से बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। आप सभी नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, और ये जरूर बताना कमेंट करके कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा प्लीज जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग है ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। और आपको है ना एक गुड न्यूज भी मिलेगी थोड़ी देर बाद में, अभी गए हुए हैं वो उस गुड न्यूज की। और जितना हो सके ना, जितना आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, व्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही है ना आप जितना हो सके मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास है ना शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं। प्लीज आप सबको ने जैसे पिंकी शिव हमको सपोर्ट किया है, आप हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो हमारा भी चैनल है ना हो ही जाएगा इस लायक की है ना लोग हमें भी जाने पहचाने देखे। और हाँ, उम्मीद करती हूँ आप मैंने मेरी जो भी आपको मेरी गलती लगती है ना भाई, हाँ ये कमी है, आप प्लीज मेरे को गाइड करो, बहन बनके, भाई बनके, हर तरीके से फ्रेंड बनके, जैसे भी आपको ठीक लगे आप मेरे को प्लीज गाइड करो। जैसे कि मेरे पास एक दो कमेंट आए हैं जो उनको कमी लगी है ना, उन्होंने ना मेरी वीडियो में बताया है, मेरे को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी सीरियसली। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप है ना बताओगे मेरी कमियों को जितनी, और जिस हिसाब से आप हमारे पास कमेंट करोगे ना, जैसे कि अभी कमेंट आई थी हमारे पास की है ना आप ब्लॉग बनाइए, तो जैसे आप कमेंट करोगे ना मैं उसके हिसाब से ही ग्रो करूंगी, उसी के हिसाब से मैं वीडियोस डालूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि छोटी मोटी अगर कोई गलती होगी आप उस गलती को इग्नोर करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे। प्लीज जितना हो सकता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि है ना लाइव में भी कमेंट आती है और वैसे भी वीडियोस में भी कमेंट आ रही है कि पिंकी के सास और ससुर क्यों नहीं आ रहे हैं। पिंकी का सास ससुर है ना बहुत जल्दी आएंगे, जैसे जैसे है ना मेरा चैनल ग्रो करेगा, पिंकी शिवम का चैनल ग्रो करेगा, वैसे वैसे है ना वो भी आएंगे। वो बोल रहे हैं आने के लिए, बट वो पहले देख रहे हैं कि हमारा चैनल कितना प्रोग्रेस कर रहा है, जितना हमारा चैनल प्रोग्रेस करेगा ना उस हिसाब से वो भी आएंगे। और उम्मीद करती हूँ जितना आप हमें लाइक करोगे ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा करोगे, पिंकी की सास और ससुर उतनी ही जल्दी आएंगे, और साथ साथ पिंकी के देवर भी आएंगे, वो भी अपना चैनल बनाएंगे, वो अपना चैनल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी पहले कि मैं चैनल बनाऊंगी, वैसे ही वो भी बोल रहे हैं, बट उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। प्लीज जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप पिंकी जी से पूछिए इनकी सास क्या रहता है मेरे सामने आने के लिए। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग बोलते हैं दीदी हमें भी सपोर्ट करे, हमें भी सपोर्ट करे, जो जो हमारे पास आएगा। मैं देखिए, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं, उतना मैं घमंड भी नहीं करती हूँ। आप रूबी से पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताएं पिंकी बहुत घमंडी है, बहुत घमंड करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रूबी से पूछ सकते हैं मैं घमंडी क्या हूँ। तो आप लोग को सपोर्ट अगर करवाना हो तो देखिए, मैं रूबी की फुल सपोर्ट कर रही हूँ। आप लोग भी सपोर्ट करवाना तो मेरे पास में आइए, आप लोग भी साथ फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उसे आप लोग भी मैं सपोर्ट करूंगी। और जिसको हमारे अपने चैनल को करवाना है सपोर्ट, तो हमारे व्हाट्सएप पर लिंक भेज दे, मैं सब किसी को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि हर कोई पास में नहीं आ सकता ना। बहुत से ऐसे भी हैं जो दूर है नहीं आ सकते, इसलिए है ना वो जितना उसके शेयर कर दीजिए आपकी वीडियोस बना के, जो आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है उस टैलेंट को बाहर निकालिए। और जितना हो सकता है पिंकी जी का नंबर है, शिवम जी का नंबर है, इनके नंबर पे आप है ना अपनी वीडियो भेजिए, आपको प्रमोशन होना पक्का है। क्योंकि देखो ये बात बोलते हैं बहुत से जने, लाइव में भी कमेंट आते हैं कि पिंकी के अंदर है, मरोड है, ईगो है, एटीट्यूड है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पिंकी नेचर वाइज बहुत अच्छी है, शिवम भैया भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने इनको एक बार हंसी में ही बोला था कि मैं भी चैनल बनाऊंगी, आखिर में इन्होंने मेरा चैनल भी बनवा दिया और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई यूट्यूबर किसी के लिए इतना करेगा, भाई इनका नेचर बहुत अच्छा है सीरियसली। देखो जो पास रहता है ना उसे ज्यादा पता होता है, हम दूर से देखिए ना सिर्फ, अब मैं भी किसी की वीडियो देख के ना मैं भी उसको सिर्फ जज कर सकती हूँ कि वो ऐसा है वैसा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी के पास रहते हैं ना तो हमें पता लगता है कि वो कैसा है। बट पिंकी और शिवम भैया नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। मैं दुआ करती हूँ भगवान इनकी गुड़िया को ना लंबी उम्र लगाए, लड़की को तरक्की बख्शे,
सीरियसली गुड़िया भी इनकी बहुत क्यूट है, बट अब उसको इंजेक्शन लगे हुए ना इस वजह से वो थोड़ी सी तंग कर रही है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर किसी के अंदर नहीं होती ईगो, किसी के अंदर नहीं होता, वो नजरिए की बात होती है कि मैं आपको किस नजरिए से देख लूँ, जिस नजरिए से मैं देखूंगी मुझे वही दिखाई देगा। ईगो जैसी कोई चीज नहीं होती, जिनके अंदर ईगो होता है ना भगवान देखता है, भगवान अपने आप हिसाब कर देखता है। आप उन सब बातों को छोड़िए, आप जितना हो सकते हैं उतना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इनकी कम्युनिटी के अंदर मेरा लिंक पड़ा हुआ है जितना, उसके वहां जा करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज भी देखिए, और जो भी आपको कमी लगे, जो भी आपको कमी लगे, और जो फेसबुक से कनेक्टेड है, जो फेसबुक फ्रेंड है या फेसबुक फॉलोवर है वो भी है ना, वहां पर भी मेरा लिंक पड़ा हुआ है। जोशी फॉर मोर पिंकी जी का नया पेज है ना फेसबुक पे, उस पे भी मेरा है ना लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और जो भी आपको कमी लगे उसे कमेंट करके बताइएगा, और जिस हिसाब से आप बोलेंगे मैं उस हिसाब से ब्लॉग वीडियो शॉर्ट वीडियो जैसे भी जो आपको भाषा पसंद आए, पंजाबी हरियाणवी हिंदी, अब मैं उसी हिसाब से अपनी वीडियोस लेके आऊंगी। और पिंकी जी भोजपुरी बोलती है, वो मुझे बहुत मस्त लगती है सच्ची में, मैं भी है ना गुनगुनाती रहती हूँ। तो चलिए हमारी गांव में आपको भोजपुरी सिखाती हूँ, तो चलिए आइए, जाना ही पड़ेगा। अगर आप सबको सपोर्ट रहा ना तो एक बार जरूर चेक करिएगा। हम दोनों का खुशी देकर आप लोग कैसा लग रहा है तो कमेंट में जरूर आप लोग बताइए हम दोनों को, हम दोनों कितना अच्छा से रह रहे, कितना बढ़िया से रह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो फिलहाल तो हमारे अंदर ऐसी कोई दरार है नहीं है, सही बात है ना, तो हम ये बात सोच के रहते कि ये हमारे रूम में रह रहे, और ना ही ये बात सोच के रहती है कि ये मेरे रूम मालिक है या कुछ भी वगैरह वगैरह। मेरा उन सबसे कोई मैटर नहीं है, मेरे लिए यहाँ पे जो भी आएगा मेरे रूम में सब मेरे लिए एक समान है, सब मेरे भाई बहन जैसे हैं, और सबसे मैं प्यार से ही रहती हूँ, और ना ही मेरा ऐसा नेचर है। हाँ मेरी शक्ल थोड़ी है ऐसी कि सब मेरे को रूडी बोलते हैं कि लड़ाकू होगी, ये होगी, वो होगी। देखो गुस्से की जगह गुस्सा और प्यार की जगह प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट भी अगर देखिए टाइट आवाज में कोई बोलना बोलता है ना तो उसके अंदर मैंने ये नहीं रहता है, आवाज का फर्क होता है। हाँ, जो ना वो आवाज होती है ना कड़क आवाज, वो अपने हक के लिए बोलना जानता है, इसका मतलब ये है। और मैं तो मेरी अपनी माता और बहनों से यही बात कहूंगी कि अगर आपका सब कुछ गलत हो रहा है ना तो अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर हम अपने खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो हम किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जब आप कुछ स्टैंड लोगे ना तो आपका भाई भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका पति भी आपको सपोर्ट करेगा, और आपके माँ बाप भी, लेकिन आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और जिन लड़कियों का अपना स्टैंड नहीं है ना, मैंने बहुत लड़कियां देखी है दुखी होती हुई, सबसे पहले अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है, उसके बाद मैंने आवाज उठाई मैं चैनल बनाऊंगी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं सच में भगवान मेरी नजर भी ना लग जाए उनको, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मैं बताया दिल से धन्यवाद करती हूँ। और देखो गार्डियन का बात ऐसी होती है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, बट मेरी सास थोड़ी सी अभी रूढ़ी है, थोड़ी मान गई है, लेकिन अभी भी कुछ परसेंट बाकी है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने गारंटी लिया कि वो उनको मनाएंगे। जो भी बहन भाई जो भी चैनल बनाना चाहते हो ना और उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती हो, प्लीज पहले अपनी फैमिली को मनाए, उसके बाद कोई डिसीजन ले, क्योंकि मेरे हस्बैंड मान गए थे, मेरी सास नहीं माननी, बट मेरी सास को वो मना लेंगे, 90% वो मना चुके हैं, 10% ही है जो वो नहीं माननी है, और बहुत जल्दी मैं उन्हें भी वीडियो में लेके आऊंगी। और है ना मेरी सास ने मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज भी रखा है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो मेरे चैनल पे उसकी वीडियो डालूंगी, उस वीडियो में वो भी सरप्राइज है, वो अभी तक मुझे भी नहीं पता और ना ही आया है, बस मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये बोला है कि मैं तेरे लिए ना आज एक सरप्राइज लेके आऊंगा, और उसमें उनकी बहन ने भी हेल्प की है, उनकी मम्मी ने भी हेल्प की है, और वो खुद भी, उन तीनों की वजह से मुझे वो सरप्राइज मिलेगा। और मैं आप लोग दोनों को आप सबके साथ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और जो होने वाले हैं और जो बने हुए हैं सबके साथ है ना मैं जरूर शेयर करूंगी, और आप मुझे देख के बताना कि आपको कैसा लगा, और मैं दुआ करूंगी भगवान ऐसी फैमिली सबको दे। देखो गुस्सा झगड़ा लड़ाई सब में चलता रहता है, बट मेरी जर्नी जो अब तक की है ना, मैं 23 साल की हूँ, अब तक की जो मेरी जर्नी है ना उसमें मैंने इतना कुछ सीख लिया है कि वो जर्नी है ना भगवान किसी को ऐसा टाइम नहीं दिखाए, लेकिन उसके बाद भी आज मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मेरा बच्चा, मेरी सास, मेरा घर परिवार, मुझे सब कुछ दे दिया भगवान ने मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं मानती हूँ कि पिंकी मेरे लिए बहुत लकी है, सच में ही सृष्टि मेरे लिए इतनी ज्यादा लकी है ना, गुड़िया के पैर जब से मेरे घर में पड़े हैं ना मेरे हस्बैंड में बहुत चेंज आया है, और भगवान करे वो चेंज सब में आए, जो अच्छे के लिए है ना वो चेंज सब में आना चाहिए, सृष्टि के कदम बहुत शुभ है हमारे घर के लिए, और मेरी कोशिश है जितना उसके मेरे को यही रखूंगी, मैं चाहती हूँ यहाँ से जाए। तो पिंकी तुम कुछ गाना सुनाना चाहोगी? दो लाइन मैं बिल्कुल गाना सुनाऊंगी, सुनाओ। दीदो प्यारी में ये तना जखा घुट घुटी के जियो तानी हां लाके दीदो जहर जाने खाके मरी जाई। ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए तो लड़का क्या कहता है, मैं इस लड़का को जो मैं सुना रही हूँ, तो लड़का क्या बोल रहा है, कुछ बा मजबूरी तब हुई दूरी,
बदल जाई बट प्यार में इतना सितम घुट घुट के जिया तानी हम लगे दीदा जहर जाने खाके मरी जाए। तो आप लोग को ये गाना हमारे कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये गाना फिर दूसरा मेरे को तो बहुत ऑसम लगा सच्ची में। मेरे को पिंकी भोजपुरी गाना गाती है ना, मेरे को बहुत मस्त लगता है सीरियसली। और किसी कारणवश मेरी पहली वीडियो है ना पिंकी ने डिलीट करनी, पिंकी को डिलीट करनी पड़ी थी क्योंकि मेरे सास को उस टाइम ऑब्जेक्शन था, बट अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ है और वो यही में खड़े हुए हैं, ये मेरे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारे शुभम भैया हैं जो कि रूबी भाभी को चैनल बनाने से लगाई और चैनल बनाने में तक मतलब फुल सपोर्ट किए हैं अभी तक, और भाभी का चैनल ग्रो हो जाए उसमें भी हमारे भैया ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि भैया अपने पूरे फ्रेंड सबसे भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। इसलिए देखिए आप भैया को और भाभी को और हमारे पिंकी को, तो प्लीज़ आप इन्हें भी सपोर्ट करें जैसा करना चाहिए, जैसे आप पिंकी शिवम दुबे को सपोर्ट करते हैं और इसी आप हमारे भैया भाभी के चैनल को भी सपोर्ट करें। तो आइए बात करते हैं भैया से, तो क्या हाल है भैया? आप क्या सरप्राइज देने वाले भाभी को? वो सरप्राइज है वो भाभी और भैया के चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए भैया भी नहीं बताना चाह रहे हैं, भैया भी देने के बाद अपने चैनल पे बताएंगे, तो प्लीज आप जाइए रूबी शुभम ऑफिशियल को और उस चैनल को सपोर्ट करें। और भैया जो भाभी को सरप्राइज देने वाले हैं आज आप उस चैनल पे जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करता हूँ एंड, और ये रही पिंकी। से जैसे लागे लू परियन के अरे परियों की रानी तो सृष्टि है और कोई नहीं है, सच्ची में सृष्टि बहुत लकी है हमारे लिए। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर हमारा भी बेबी होए ना दूसरा सेकंड बेबी, वैसे तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं है बट फिर भी मैं भी चाहूंगी अगर हम प्लानिंग करें ना फ्यूचर में तो ना सृष्टि जैसी गुड़ी हो हमारी भी, सच में ही बहुत। देखो मैं आप ये मत सोचना कि मैं वीडियो के लिए बोल रही हूँ या कुछ भी, देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। किराएदार हमारे यहाँ पे बहुत आए बहुत गए बट सृष्टि सच में लकी है, मेरी लाइफ में बहुत चेंज है। और लोग हम लोग जैसे तुम्हारे रूम में आए हैं, बताओ तुमको कैसे लगता है, तुम बताओ। देखो मेरे ये तो बात ये है कि जो जैसा है ना उसके साथ मैं वैसा बिहेव करती हूँ, मुझे तुम्हारे नेचर ठीक लगता है बट आप कुछ के देख लो पिंकी से मैं किसी किराएदार के रूम में नहीं जाती, किसी के में भी नहीं जाती, बट मैं यहाँ पे पिंकी के लिए आती हूँ बैठती भी हूँ और रात को भी आ जाती हूँ दिन में भी, और मेरे हस्बैंड भी चक्कर लगाते रहते हैं। अदरवाइज हम किसी के रूम में नहीं जाते भी, क्या पता कोई पसंद करे ना करे, पर इनका रूम अगर बंद भी हो ना तो हम हाथ दरवाजे में हाथ मार के बोल लेते हैं शिवम भैया। आज तक मैंने इनके वक्त भी शिकन नहीं देखी पिंकी के या शिवम के भाई इन्होंने ऑब्जेक्शन किया हो। और सबसे ज्यादा उसका रीजन है गुड़िया, गुड़िया बहुत क्यूट है सच्ची में ही भाई, बहुत भाग्यशाली लड़की है सृष्टि, बहुत भाग्यशाली है सच में। और मैं तो इनको भी बोलती हूँ कि है ना ऐसे रहो दोनों की है ना उसका फ्यूचर है ना इतना ना, ये देखिए हमारे सृष्टि गुड़िया कैसी है, सीरियसली बहुत ज्यादा लकी है ये गुड़िया हमारे लिए, बहुत ज्यादा लकी। और दोस्तों मैं आप लोग से बोलती हूँ यही बात है हमारे सृष्टि का, आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप मेरे सृष्टि को, पर अपना लड़की के मैं फोटो लगा रही हूँ तो आप लोग से मैं ये दुआ करती हूँ कि हमारी लड़की इतना दुआ दीजिए जो हमारी लड़की ताकि धरती पे ले तो आगे जब कुछ बड़े हो जाए तो कुछ भगवान उसको बनाए या कुछ बन के वो दिखाए। और आप लोग से मैं ये निवेदन करती हूँ लड़की को बहुत सारा दुआ कीजिए उनकी कामयाब कुछ हो जाए वो। और देखो माँ बाप जब बच्चा हो जाता है ना तो माँ बाप की लाइफ माँ बाप की नहीं रहती, उनकी लाइफ उनके बच्चे की हो जाती है। और मैं भी मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं किसी की दुआ लेके ना चलूँ, मैं भी अपने लड़के के लिए सिर्फ दुआएं बटोरती हूँ और वही उम्मीद में सृष्टि के लिए करती हूँ। मैं शिवम भैया को पिंकी को दोनों को बोलती हूँ भैया अपनी जिंदगी में किसी का दिल ना दुखाना, जितना उसके मदद करके चलना, अदरवाइज अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते ना तो किसी के रस्ते में कांटे भी मत बोना, क्योंकि अपने बच्चे के लिए वो दुआएं कभी भी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, कभी भी मत करो, मेरा मानना यही है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका मानना भी यही होगा। तो आप इस वीडियो में हमारे देख के क्या समझते हैं तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, मतलब बाय बाय हाय हाय रूबी हाय कर। और जितना उसके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रूबी शुभम ऑफिशियल के नाम से है शिवम और पिंकी जी के चैनल पे, फेसबुक पेज पे भी हमारा कम्युनिटी में लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज जितना उसके लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।